ठीक है चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग देखे थे डॉट प्रोडक्ट तक, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर देख लिए थे। तो उसी पे आज हम लोग कुछ और भी चीज़ देखेंगे, कुछ सवाल वाल बनाएंगे उस पे, और फिर आगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो कल हम लोग सारा प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, जितना भी प्रॉपर्टीज था वो सब हम लोग पढ़ लिए थे और देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना सीखे थे बाय द यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फिर और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखे थे। तो कुछ सवाल आज करते हैं स्टार्टिंग से, उसके हम लोग फिर आगे देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। सब लोग देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिखते एग्जांपल्स वन जो है, मान लो कि कोई वेक्टर जो है, कल लोग क्वेश्चन नहीं किए थे बस टॉपिक पढ़े थे, है ना, सवाल बनाएंगे आज। तो ये वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप दिया हुआ है। और एक वेक्टर बी दिया हुआ है, कितना वेक्टर बी दिया हुआ है, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। तो हमको निकालना ए डॉट बी, तो कितना हो जाएगा। हम लोग अभी देखे थे कि आई डॉट आई का जो वैल्यू है वो वन होता है, जे डॉट जे का जो वैल्यू है वन होता है, और के डॉट के का वैल्यू भी वन होता है। और बाकी अगर हम लोग आई डॉट जे या जे डॉट के ले रहे हैं तो जीरो आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके बीच एंगल 90 हो रहा है। तो कॉस 90 जीरो हो जाने से आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई या फिर जे डॉट के जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ए मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको ए वन मान लिए, ए वन ए टू बी वन बी टू, समान और मतलब ये कॉम्पोनेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इन सबको मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड्स को, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, सर माइनस सिक्स हो ट्वेंटी जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 × -3, 2 × -3 हो जा रहा है, क्लियर है, 2 × -3 हो गया। तो लिख देते हैं 2 × -3, और प्लस क्या हो जा रहा है, -4 × -6, -4 × -6। तो इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो ये सॉल्व करने से आ जाएगा तुम्हारा 24 ना, ये तो कट जाएगा 24, तो 24 आ गया। तो 24 एक स्केलर है, इससे ये पता चल रहा है कि दो डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखे थे कि दो जो डॉट वेक्टर को जब डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या आता है, हम लोग का स्केलर आता है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे मान लो हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, कि यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि अगर ए लेते हैं हम लोग, कितना a1x प्लस a2x प्लस a3x a2y सॉरी a2y और a3z, और b क्या ले रहे हैं, b ले रहे हैं सपोज b1x b2y और b3z ले रहे हैं। तो हम लोग a डॉट b कर रहे थे, तो x तो i की तरफ है, y j की तरफ है, तो a डॉट b जब करते तो क्या आ रहा था हम लोग का, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, इस तरह कुछ आ रहा था, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे किए हैं डॉट प्लॉट किए हम लोग, तो क्या आता है, स्केलर वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तो तुम लोग को भी हम सॉल्व करने देंगे, फिर पूछेंगे कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एम का वैल्यू, एम का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट वेक्टर ए दिया हुआ है कितना, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक, और इट क्या दिया हुआ है, मे बी परपेंडिकुलर, मे बी परपेंडिकुलर टू, कौन से वेक्टर का परपेंडिकुलर, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप। चलो हम इसको सॉल्व करने दिए, 1 मिनट का टाइम दिए, जिनका बन जाएगा माइक ऑन करके आंसर देना, ठीक है, जिनका सॉल्व हो जाएगा वो अनम्यूट करके आंसर देना यहाँ पे, बताओ कितना आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू निकालना है, ठीक है, सो दैट वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप किसका परपेंडिकुलर है, हो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस m k कैप का,
दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, बोलो डॉट सर एम का वैल्यू 1 प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सर, आवाज आ रहा है कि नहीं, सर आवाज आ रहा है सभी को, आवाज नहीं आ रहा क्या, आ रहा है सर आवाज? आदित्य आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है आवाज चला गया लोग फिर। सर, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ अनेबल टू मीटिंग तो कर दिए हैं, देखिए अनेबल अनेबल तो किया हुआ था ना। आयुष आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, उसको मेरा आवाज आ रहा होगा बट उधर से कोई कुछ बोल रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ सेटिंग किए थे क्या म्यूट उट का? सबको अनम्यूट कर देते हैं एक बार। आवाज आ रहा है हाँ सर, उधर यस सर, वो कुछ बोल रहा होगा ऑन करके बट मुझे नहीं यहाँ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है देखो तुम्हारा आवाज शायद कुछ मेरे पास नहीं आ रहा है तो तुम देखो ठीक है स्क्रीन पे। सर अच्छा मैसेज कर दो, तुम लोग को आवाज आ रहा है क्या एक बार? चैट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। रेज हैंड किया है, वेटिंग रूम एडमिट। हाँ सबको अलाउ किया हुआ है, रेज हैंड किया है, अलाउ ऑल पार्टिसिपेंट। अनेबल मतलब क्या, अलाउ है ना, विजिबल कर दिए। साउंड का प्रॉब्लम तो आ रहा है, आवाज आ रहा है। ठीक है हम स्टार्ट क्लास लेते हैं लगातार, हमको नहीं आ रहा उन लोग का आवाज। हेलो हाँ सर, आयुष आवाज आ रहा है, तुम कुछ बोलो। हेलो आयुष सर, या आदित्य बोल रहे हैं सर, आपको सुनाई नहीं दे रहा। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो सर, हेलो सर, उन लोग को आ रहा होगा आवाज, आप चेक कीजिए ना अपने मोबाइल में आवाज आए कि नहीं। आदित्य तुमको आ रहा है मेरा आवाज? उनका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है तो देखो हाँ यहाँ पे क्या हाँ आ रहा निकालना है, है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट द वेक्टर 3i कैप -2j कैप + k कैप मे बी परपेंडिकुलर टू 2i कैप + 6j कैप + m k कैप। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा यदि दो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो। ठीक है तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? आ रहा है आपका? मेरा आवाज आ रहा है, आप कुछ बोले थे सर? हेलो, आपका नहीं आ रहा है? अच्छा बाकी स्टूडेंट को तो आ रहा होगा। 2i कैप - 2j कैप + k कैप. 2i कैप + 6j कैप + m k कैप, इसका डॉट पर जीरो आ जाएगा कि दो पर वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6i का π का 1 आ गया तो 6 होगा, माइनस कितना हो जाएगा 6 to 12 और प्लस m इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो m - 6 = 0 यानी कि m = 6। ठीक है तो ये हम लोग यहाँ पे m के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, तो तुम लोग को शायद आवाज आ रहा होगा बट तुम कुछ बोलोगे तो यहाँ पे आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद, तो तुम देखो ध्यान से, कोई डाउट होगा तो रेज हैंड करना या फिर टाइप मैसेज होगा तो उसको कर देना। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन, हेडफोन का प्रॉब्लम है क्या? व्हाट इज द एंगल बिटवीन अभी पता नहीं सर, अभी तो नहीं कोई कर रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दो वेक्टर से एंगल निकालना है, एक वेक्टर दिया गया, एक ए वेक्टर इक्वल टू दिया गया i कैप + j कैप
प्लस के कैप दिया हुआ है, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है टू आई कैप माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप, और यहाँ पे माइनस के कैप दिया हुआ है, माइनस टू के कैप। तो इन दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो हम लोग ए कॉस ऑफ थीटा निकालना है यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई कैप जे कैप प्लस के कैप है, माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सॉल्व करने से, यह आ जाएगा ए डॉट बी का जो वैल्यू है यह आ जाएगा माइनस टू माइनस टू और माइनस टू यानी कि माइनस सिक्स। यहाँ पे अगर मॉड ऑफ ए निकालोगे तो कितना होगा, रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मॉड ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट थ्री, रूट थ्री हो जाएगा। देखो हम इसको धीरे धीरे लिख रहे हैं आराम से, तुम समझ ही रहे हो। और मॉड ऑफ बी जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा, रूट चार प्लस छः प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। तो यानी कि कितना आएगा, टू रूट थ्री आ जाएगा ना, टू रूट थ्री। तो देखो अब हम लोग क्या निकाले, यहाँ पे ए डॉट बी निकाल लिया, मॉड ऑफ ए निकाल लिया, मॉड ऑफ बी निकाल लिया। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पे जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा ये हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है, बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ए डॉट बी माइनस सिक्स था, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, थ्री है, और बी का है टू रूट थ्री, तो माइनस सिक्स और सिक्स कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस वन, यानी कि थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा अपना एंगल, ये हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना था एंगल क्या होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, जो उसके बाद जो एग्जांपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर फोर, एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, एग्जांपल फोर। ये वाला क्वेश्चन शायद किए थे हम लोग, मतलब ये तो सिंपल है। अच्छा एक और देखते, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ए वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए प्लस टू बी है डॉट वेक्टर टू ए माइनस थ्री बी है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है हम लोग को कि टू ए स्क्वायर होगा प्लस ए बी कॉस थीटा होगा और माइनस सिक्स बी स्क्वायर होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग अभी पढ़े थे वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का, तो उस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डॉट टू ए है, तो क्या लिखेंगे, टू टाइम्स लिखेंगे ए डॉट ए, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस थ्री टाइम्स, माइनस थ्री टाइम्स क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, यहाँ पे थ्री है तो थ्री टाइम्स ए डॉट बी। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फोर टाइम्स, इसको सॉल्व कर रहे हैं फिर, तो फोर टाइम्स क्या होगा, ए डॉट बी बी डॉट ए, जो भी ए डॉट बी बी डॉट ए सेम चीज है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और क्या हो जाएगा हम लोग के पास, माइनस सिक्स टाइम बी डॉट बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से ये वाला टर्म कितना होगा, ए डॉट ए हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस थ्री ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी का क्या होता है, बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड से। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फोर बी डॉट ए, मतलब ए बी कॉस थीटा, इसको भी लिख सकते हैं
बी डॉट ए डॉट बी सेम बात है ठीक है, हो जाएगा माइनस सिक्स बी डॉट बी, तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये टू ए स्क्वायर हो जाएगा ए डॉट ए, ये हो जाएगा प्लस ए बी कॉस थीटा, तो ये माइनस सिक्स बी स्क्वायर। देखो हम लोग इस चीज को यहाँ पे प्रूफ कर लिए हैं ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया जो पूछा गया था ठीक। तो देखो और एक इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखते रहो, नोट डाउन कर लो। क्या साउंड का प्रॉब्लम क्यों आ रहा था, आ रहा है? हाँ वो लोग बोल रहा तो नहीं सुनाई दे रहा है, हम वो लोग मतलब बच्चा लोग सुन रहा होगा बट नहीं उन लोग का आवाज नहीं आ रहा है। इससे तो कुछ प्रॉब्लम पता नहीं नेटवर्क का उधर का हो सकता है कुछ, या दूसरा हेडफोन में टेस्ट करना पड़ेगा ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो। हेलो सर, एक और क्वेश्चन देखो, देखो मान लो कि कोई फोर्स है ठीक है, फोर्स लग रहा है कितना, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो दिया गया है तुमको फोर के कैप। अच्छा साउंड में स्पीकर नहीं आ रहा है, कुछ बोलो तुम लोग। सर नहीं आ रहा है साउंड, हेलो साउंड नहीं आ रहा है। आयुष बोल रहा है कुछ आवाज नहीं आ रहा है। वही तो उसका टाइम, क्लास का टाइमिंग लो अलग था, अभी किसी को पता होगा नहीं पता होगा, शाम में था क्लास का टाइमिंग। नहीं सर सुबह था, प्रॉब्लम है टेक्निकल कुछ, इसलिए एक बार निशाल सर को बोल दीजिए ना, आवाज नहीं आ रहा है बोल देने, मतलब देखने। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ है दिया हुआ माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप और एस है फोर के कैप, तो हम लोग यहाँ पे वर्कडन निकालना है। तो जो वर्कडन का वैल्यू क्या होगा, एफ डॉट एस हो जाएगा ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, तो वर्कडन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप और ये क्या हो जाएगा फोर के कैप ठीक है। तो देखो i डॉट k या फिर k डॉट j डॉट k तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ k डॉट k, तो यहाँ पे क्या आंसर क्या आ जाएगा 12 जूल। ये भी एक स्केलर आ रहा है ठीक है, स्केलर का वैल्यू आ रहा है 12 जूल, यहाँ से लोग वर्क डन फाइंड आउट कर लिए ठीक है। और क्वेश्चन देखो यहाँ पे नेक्स्ट, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सपोज आई कैप एंड सर कैप आर यूनिट वेक्टर, वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना ठीक है, रेस्पेक्टिवली आई एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the vector i cap plus j cap and i cap minus j cap, फिर है what, उसी में what are the component, what are the component
ऑफ अ वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है मान लो, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप अलोंग द डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप. तो ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप. पहले तो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालो, और दूसरा पूछा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. अब उसी एक्स वाई प्लेन पे एक वेक्टर है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ठीक है, तो उसको उसका कंपोनेंट क्या होगा आई कैप प्लस जे कैप के डायरेक्शन में और आई कैप माइनस जे कैप के डायरेक्शन पे. तो इसको हम लोग देखते हैं. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सर बोर्ड साइड कीजिए स्क्रीन, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सपोज मान लो कि इसको हम लोग लेते हैं इधर एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, इधर वाई डैश ले दे रहे हैं. तो इधर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा. यहाँ का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जे कैप ले लेते इसको, और यहाँ से हम लोग माइनस जे कैप. ठीक, तो सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है इस प्लेन पे, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड कितना, इस वेक्टर का नाम क्या है, इस ये वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, एंगल थीटा बना रहा है. और एक वेक्टर ये वाला हो जाएगा, तो कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है. तो अगर तुम निकालोगे सबसे पहले मैग्नीट्यूड, तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे सबसे पहले किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप का निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, की मैग्नीट्यूड तो वन वन होगा, प्लस क्या हो जाएगा, और इसके बीच में एंगल देखो 90 है, तो पूरा नहीं लिख रहे, ठीक है, आई कैप जे कैप के बीच में एंगल कितना 90 है, और आई रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का थीटा है, तो डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड टू आ जाएगा ना दो वेक्टर के बीच में, आई कैप जे कैप के बीच में, और एंगल कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा वन बाई वन, यानी कि थीटा हो जाएगा 45 डिग्री. ठीक, इसी तरह यदि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस जे निकालेंगे, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू रूट टू होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो रूट टू ही आएगा, और एंगल कितना हो जाएगा, एंगल फिर टैन थीटा जो होगा ये भी हो जाएगा वन बाई माइनस वन, यानी कि माइनस वन, तो थीटा इस बार क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 45 डिग्री, तो बस एंगल तो 45 ही रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन पे रहेगा ये वाला, ठीक है. तो अभी देखो हम लोग क्या चाहिए, अब हम लोग को चाहिए ए का कॉम्पोनेंट आई प्लस जे डायरेक्शन के साथ. तो देखो ध्यान से, यहाँ यहाँ ध्यान से देखो, वेक्टर ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप दिया हुआ है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसका आई कैप प्लस जे कैप. ठीक, तो हम लोग को इस डायरेक्शन पे निकालना है कंपोनेंट. तो हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी को क्या लिखेंगे, ए डॉट बी को हम लोग लिखते हैं, ए डॉट बी को क्या लिख देंगे, बी कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे. तो यहाँ पे हम लोग इसको ए वेक्टर मान लिया, और बी वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन ये वाला है, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का, आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा वी वेक्टर. ठीक, तो यदि हम लोग ए डॉट बी कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप हो जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, तो ए डॉट बी आ गया. ठीक है, तो यहां से हम लोग ए डॉट बी कर रहे हैं, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये
ये हो जाएगा 3 + 2, 5 आ जाएगा डॉट बी का वैल्यू। और क्या हो जाएगा, जो कंपोनेंट जो मैग्नीट्यूड है ये का, ये हो जाएगा कितना, 3² 4² + 3² कंपोनेंट। हम लोग यहाँ पे कितना मिल जाएगा, अच्छा हमको तो रुको एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग को कॉम्पोनेंट ऑफ ए निकालना है, तो हम लोग ए डॉट बी निकाल लिए। देखो कॉम्पोनेंट ऑफ ए का मतलब क्या है, जैसे हम लोग यदि ए डॉट बी लिख रहे हैं तो कितना ए बी कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू बी, जो क्या हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा। सर ठीक, तो यहां पे देखो ध्यान दो, ये है कंपोनेंट, ये उस वेक्टर ए का कंपोनेंट, एक्स के तरफ यही कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स, यही कंपोनेंट एक्स के तरफ, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो अगर ए ऐसा वेक्टर लिए कोई, हम लोग ए यहाँ पे कोई वेक्टर लिए, तो ए का दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा है तो एक कंपोनेंट तो ए का ये वाला हो जाएगा एक्स, एक हो जाएगा ए वाई। तो क्या पूछा है, आई कैप आई कैप प्लस जे कैप डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट, तो ए का कंपोनेंट मतलब ए कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट हमको ये चाहिए, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना लिखेंगे हम लोग, तो यहां से लिख लो, ए कॉस थीटा आ जाएगा, ए डॉट बी कितना था 5, और बी का मैग्नीट्यूड कितना 1 + 1 का रूट ओवर 1² + 1² यानी √2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/√5, सॉरी 5/√2 यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा कॉम्पोनेंट। सिमिलरली हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है कि ए का कॉम्पोनेंट डायरेक्शन ऑफ, फिर निकालना क्या हम लोग को कॉम्पोनेंट ऑफ ए। सर डायरेक्शन ऑफ, आई कैप माइनस जे कैप, तो यहां से भी क्या निकालोगे तुम, यहाँ पे ए डॉट भी निकाल लो। ठीक है, तो ए डॉट भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा 2i कैप + 3j कैप, और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे अगर इसको, तो इसका देखो ये डॉट कितना आ जाएगा, 2 - 3 मतलब 1 आ जाएगा ना, हाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमको चाहिए कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा कंपोनेंट में, फिर से एक कॉस थीटा ही निकाल रहे हैं, तो वही हो जाएगा एक कॉस थीटा का वैल्यू, ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई बी, तो ए डॉट बी इस बार कितना है, -1 है, और बी का मैच √2 ही है, तो ये कितना हो जाएगा -1/√2 यूनिट, तो ये हो जाएगा -1/√2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाले, कंपोनेंट निकाल लिए उस वेक्टर्स का, हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लिए हैं, कंपोनेंट निकाल लिए उस वेक्टर का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए हैं। हेलो सर, ठीक समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई कैप जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या क्या होगा, किस डायरेक्शन में, आई कैप जे कैप में और आई कैप माइनस जे कैप में। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल लिए, और यहाँ पे हम लोग फिर कॉम्पोनेंट को फाइंड आउट किए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉम्पोनेंट फाइंड आउट किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं सर, देखो आराम से देखो, हमको तो तुम लोग आवाज सुनाई नहीं दे रहा, बट तुम ध्यान से सुनो। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, रुको। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो कि इफ पैरेलल वाले क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसमें क्या दिया है, इफ टू वेक्टर, If two vectors, 2i cap + 3j cap, 2i cap + 3j cap - k cap
एंड दिया हुआ है क्या एंड माइनस फोर आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस लैम्डा के कैप आर पैरेलल आर पैरेलल टू इच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा लैम्डा का वैल्यू तो फाइंड कीजिए कितना होगा ठीक है तो इस बार क्या है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उस समय क्या निकालना है लैम्डा का वैल्यू को फाइंड आउट करने है कितना होगा ठीक है तो देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना इस तरह का सवाल में हम लोग कैसे किस टेक्निक को लगाएंगे जैसे मान लो कि यदि हम इसको ऐसे मानते हैं ठीक है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस या फिर इसको ए वन अच्छा ठीक है ए वन ए टू ए थ्री ले लो जे कैप ऐसा कुछ है के कैप ठीक है और एक वेक्टर मान लो ऐसा है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप ठीक है इसको लिख लेना अच्छे से नोट करके देखो तो पैरेलल के कंडीशन में पता है क्या यूज करोगे ऐसे यूज करोगे इसके रेशियो को मतलब ए वन बी वन जो होगा वो इक्वल होगा ए टू बी टू से और वो इक्वल होगा ए थ्री बाई बी थ्री के इक्वल होगा ठीक है इस चीज को यूज कर सकते हो फॉर टू वेक्टर पैरेलल्स ठीक है तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ठीक है हम लोग यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास देखो ध्यान से स्क्रीन पे इसी को अगर यूज करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा ए वन कितना है टू है और बी वन कितना है माइनस फोर है देखो यहाँ पे ए वन टू है बी वन माइनस फोर है तो लिख दो टू बाई माइनस फोर इक्वल हो जाएगा किसके साथ थ्री बाई माइनस सिक्स और इक्वल हो जाएगा कितना ये हो जाएगा माइनस वन बाई लैम्डा तो यहां से हम लोग लैम्डा को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन से मान लो इससे सॉल्व किया तो क्या होगा थ्री लैम्डा इक्वल टू सिक्स तो लैम्डा इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा टू तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर लैम्डा का वैल्यू हम लोग का ये हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं परपेंडिकुलर तो कर ही लोगे डॉट प्लॉट जीरो कर देना है ठीक है एक ये क्वेश्चन भी अच्छा है थोड़ा इसको देखो ये क्वेश्चन समझना हम बना देंगे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लिखो नोट डाउन करो धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे बता रहे ठीक है अ फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप ठीक जहां पे क्या है वेयर जहां पे के को ले रहे पॉजिटिव कांस्टेंट ठीक पॉजिटिव कांस्टेंट ले रहे हैं एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑन ओरिजिन ओरिजिन ठीक है एक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन ओरिजिन सॉरी एक्शन ऑफ पार्टिकल लिखो मूविंग इन एक्स वाई प्लेन ये लिखो यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा यहाँ लिखो एक्शन ऑफ पार्टिकल ठीक है मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन ठीक फिर इसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज टेकन ठीक है पार्टिकल टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस
अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट, टू द पॉइंट ए कॉमा जीरो. हम समझा दे रहे क्वेश्चन क्या है. ए कॉमा जीरो लिख लो पहले, एंड देन पैरेलल and then parallel to the y axis to the point a comma a. Find the total work done by the force. तो यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, find the टोटल वर्क डन, ठीक है, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स एफ, ऑन द पार्टिकल. ठीक है, ऑन द पार्टिकल. तो ये वाला सवाल है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करना है. तो क्या बोला गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक फोर्स है जो कि वेरिएबल फोर्स दिख रहा है सवाल में. तो एक फोर्स है एफ इक्वल टू माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, जहाँ पे कि कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, किसी पार्टिकल पे लग रहा है एक्स वाई प्लेन पे. पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से और पहले वो जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ. मान लो ऐसा कोई ग्राफ अगर होगा, यहाँ बगल में बनाते हैं साइड में. तो यहाँ मान लो कि यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया 0.0 से, तो पहले यहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, 1.0 तक, पॉजिटिव एक्स के तरफ. फिर क्या किया ये, फिर वापस ये तुम्हारा यहां पर पहुंचा, ठीक. तो यहां पे कितना हो गया, ये हो गया 1.a. यहां पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, ये 1.a हो गया, ठीक है. तो बोला गया कि टोटल वर्क डन फाइंड आउट कीजिए कितना होगा, टोटल वर्क डन फाइंड आउट कीजिए कितना होगा, ठीक है. तो पहला इसका सॉल्यूशन देखो, क्या हो जाएगा. देखो जैसे मान लो फॉर द मोशन, देखो वाइट से ही लिखते हैं, रेड से दिखता नहीं ठीक से. फॉर हम लोग कहाँ देख रहे हैं, मोशन ऑफ द पार्टिकल देख रहे हैं पहले, कहाँ से देख रहे हैं, पहले हम लोग देख रहे हैं सपोज 0.0 से लेके 1.0 तक देख रहे हैं. देखो ध्यान से, तो फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप दिया गया है, ठीक. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 0 एक्स का और वाई का 0, और फिर कहाँ तक गया ये, 1.0 तक गया, ठीक है. तो एक्स की जगह कितना, एक्स कितना ट्रेवल किया, एक्स ए ट्रेवल किया, एक्स के ए पुट कर देंगे यहाँ पे, एक्स के ए पुट कर देंगे. तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा यहाँ पे माइनस के ए जे कैप आ जाएगा, क्लियर. और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये आर हो जाएगा वेक्टर, जो कितना होगा, जो हो जाएगा, देखो शुरू फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर. तो शुरू में कहां पे था, ओरिजिन पे, बाद में कहां पहुंचा, 1.0 पे. तो किधर ए की तरफ कितना गया, आई कैप गया, तो क्या लिखेंगे, ए आई कैप प्लस 0 जे कैप, और माइनस क्या लिखेंगे, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप. तो यहां पे आर कितना बच जाएगा, आर बच जाएगा ए आई कैप. तो ये होगा पोजिशन वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो अब अगर तुम्हें वर्क डन निकालना है अभी यहां का, मतलब ड्यूरिंग दिस मोशन, इस मोशन का वर्क डन चाहिए, इस मोशन के लिए वर्क डन चाहिए, तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा W इक्वल टू F डॉट R हो जाएगा ना, जो कितना हो जाएगा, जो यहां पे हो जाएगा F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू माइनस के ए जे कैप, और R कितना, R है A I कैप.
तो देखो जे कैप डॉट आई कैप है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो पूरा क्रम जीरो आ गया, तो यहाँ का वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर। फिर एक दूसरे मोशन के लिए देखते हैं, नेट वर्क डन निकालना है ना, ठीक है। तो और एक मोशन के लिए देखते हैं, तो फॉर यहाँ पे फॉर एक सेकेंड, हम लोग देख रहे हैं कहां से के लिए, ए कॉमा जीरो से लेके ए कॉमा ए तक, ठीक है, ए कॉमा ए तक। तो वर्क डन क्या हो जाएगा तब, एफ डॉट आर हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे एफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा तुम्हारा, एफ कितना था, माइनस के था, ठीक है। देखो यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या था, माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप था, तो दोनों ए कैप तक गया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा हम लोग का, फोर्स यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये ए आई कैप प्लस हो जाएगा ए जे कैप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, ए कैप एक आई कैप तक गया है और ए जे कैप तक गया, शुरू में कहा था ए कॉमा जीरो पे, तो यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये फाइनल गया ए आई कैप प्लस ए जे कैप, इनिशियल कहाँ पे था, ए आई कैप प्लस जीरो जे कैप में था, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये ए कैप बचेगा, तो कैंसिल आउट हो गया माइनस आई कैप प्लस आई कैप। तो अब यहाँ वर्क डन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा एफ डॉट आर हो जाएगा, है ना। तो एफ कितना है अपने पास, एफ हम लोग के पास माइनस के आई कैप प्लस ए जेड कैप, और ये हो जाएगा ए जे कैप, तो ये हो जाएगा हम लोग का वर्क डन। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा ये तो आई कैप का टर्म जीरो हो गया, जे जे डॉट आई करेंगे तो बचेगा क्या, माइनस के स्क्वायर जे डॉट जे वन, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ये हो जाएगा टोटल वर्क, दिस इज आवर टोटल वर्क, हेलो, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना है, तो जितना समझ में आ रहा होगा, तो जितना प्रॉब्लम दिया प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं सर। चलो इसके बाद एक सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक है, अच्छा है। इसमें लोग फाइंड आउट क्या करना है, देखो जैसे मान लो कि दिया गया है 19 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया गया था, वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट ए, द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट A and B are, to the point A and B are, कितना कितना है ये, A दिया हुआ है कितना, A दिया हुआ है हम लोग के पास 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, और B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है 2i cap plus j cap minus 2k cap, ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। The vector from origin to point A and point B दिया गया है, इतना respectively. तो क्या निकालना है हम लोग को, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, तो निकालना है find the, क्या निकालना है हमको, find the, अच्छा इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसके लिए डॉट प्लॉट का यूज होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एरिया तो भी नहीं निकाल नहीं पाएंगे, उसके डॉट प्लॉट का यूज होता है, ठीक। तो ठीक है, इसमें एंगल निकाल लो, या फिर छोड़ो ये वाला क्वेश्चन में हम लोग एरिया निकालना पड़ेगा, इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एक तो। अभी डॉट प्लॉट हम लोग पढ़े नहीं है, हम लोग डॉट प्लॉट पढ़े नहीं है, तो इसको हम लोग डॉट प्लॉट पढ़ने के बाद करेंगे, डॉट बोलते सॉरी क्रॉस प्लॉट पढ़े नहीं है, क्रॉस प्लॉट पढ़ने के बाद करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या सवाल पूछा गया था कि एरिया निकालिए, ठीक है, एरिया निकालिए, इसमें पूछना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमको क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो इस तरह सवाल बनाएंगे, ए क्रॉस बी वाला। तो अभी हम लोग डॉट का ही बनाते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का और एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, फिर अगले क्लास में ही क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, उसका सवाल भी हम लोग करेंगे। तो चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, तो हो ही जाएगा, तो कुछ और देख लेते हैं। चार नंबर, हाँ ये वाला एक बना लो, ये बना लो, ठीक, ये हम लोग निकाले हैं क्या अभी नहीं निकाले, तो इसको बना लो एक क्वेश्चन लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन बना लो, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, इसके बाद वाले क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट शुरू होगा, और जो जितना क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में वो सब सॉल्व करो डॉट प्रोडक्ट का, प्लस जहाँ तक पढ़ाए हैं, और वो जो स्मार्ट प्रेप के ऐप में भी सवाल से उसमें भी बनाओ, किताब से बनाओ, प्लस जो डीपीपी भेजे हैं वो सब को सॉल्व करो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि पार्टिकल moves from, take particle moves from position three i cap plus two j cap minus six k cap two 14 i cap plus 13 j cap plus 9 k cap due to uniform force. एक uniform force की वजह से, ठीक, तो जितना सवाल ऑब्जेक्टिव है भेजे हैं उन सबको सॉल्व करो, डॉट प्रोडक्ट का सारा क्लियर हो जाएगा, जितना हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स कितना है, फोर्स दिया हुआ है, सपोज ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स दिया हुआ है तुम्हारा, ये फोर्स लिख देते रुको, ये फोर्स दिया हुआ है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप दिया गया है, तो क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन निकालना है, फाइंड द वर्क डन, ठीक। तो पार्टिकल का पोजीशन है 3i कैप 2j कैप माइनस 6k कैप से लेके 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप तक, और फोर्स दिया गया 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप तक, तो हम लोग फाइंड करना है वर्क डन। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि वर्क डन क्या होगा, f डॉट s हो जाएगा, जानते हो अभी बहुत सारा सवाल ऐसा किए थे, तो निकाल दो बस यहाँ से, तो निकालोगे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा r2 माइनस r1, ठीक, और फोर्स तो दिया हुआ है ही, तो यहां से तुम वर्क डन निकाल लो, f डॉट s, तो f कितना है, f है तुम्हारा 4 i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पे निकाल लो, r2 माइनस r1 करो, तो कितना होगा 14 माइनस 3 है यहाँ ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर 3 i कैप है, तो हो गया 11, ये 11 हो गया, समझ रहे हो ना, 11 हो गया यहाँ पे, हाँ 11 i कैप, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस क्या होगा 11 जे कैप 13 माइनस 2 तो 11 जे कैप 9, ठीक है, दिस माइनस दिस करेंगे मतलब 9 माइनस ऑफ 6, तो यहां पे क्या बच जाएगा हम लोग का, 15 हो जाएगा, 15 के कैप, 15 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दिए, तो इसका बस हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, सॉल्व करो 14 × 11 प्लस क्या होगा 1 × 11 सॉरी 4 × 11 टू 1 × 11 प्लस कितना 15 × 3, तो कितना हो गया 44 प्लस 11 प्लस हो गया 45, ठीक है, यानी कितना आ रहा है, ये 100 आ रहा है ना, 45, हाँ 100, तो 100 जूल हो जाएगा इसका वर्क डन, ठीक है। तो इस तरह डॉट प्रोडक्ट में जो सवाल सब आएगा सॉल्व करते रहना, एंगल निकालना, कंपोनेंट्स निकालना, वर्क डन में यूज होगा, ठीक है,
स्केलर प्लॉट का यूज होता रहेगा, फिर वेरिएबल फोर्स का भी सवाल देखे, तो इसी तरह जो तुम्हारा है यूज होता रहेगा। समझ में आ गया? अच्छा, इसके अलावा डॉट प्लॉट का और भी जो सवाल सब है ऑब्जेक्टिव में, उसमें देखना कुछ पैरेलल का तो क्वेश्चन करा दिया, पैरेलल रहेगा तो कैसे निकलेगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रॉपर्टीज का उसमें यूज होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़े हम लोग, ये सब जो प्रॉपर्टीज पढ़े उसका भी यूज होगा, प्लस हर प्रॉपर्टी को याद रखना है, कल जितना प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। तो इसका सवाल सब बनाओ और अगला क्लास में फिर हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें उसके हेल्प से हम लोग जैसे टॉर्क होता है, टॉर्क फाइंड आउट करते हैं उसमें एप्लीकेशन में है, फिर हम लोग एरिया वरिया फाइंड करेंगे, ट्रायंगल का एरिया हो गया, ठीक है, इस तरह हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट से यूज करके फाइंड आउट करेंगे। फिर हम लोग जैसे निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, फिर निकालते हैं टॉर्क, टॉर्क मतलब वही तुम्हारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है आर क्रॉस एफ, तो इन सब में वेक्टर प्रोडक्ट का भी जरूरत पड़ेगा। तो जहां वेक्टर आएगा हम लोग का जो प्रोडक्ट है उस समय यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, जहां पे स्केलर आएगा वहां यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज साउंड का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा चल रहा था तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इसको देख लेना पीडीएफ जब मिलेगा, और अगर कोई छूट गया होगा तो, और वीडियो भी देख लेना रिकॉर्डिंग। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्लास क्लोज कर रहे हैं।